उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रशासनिक कक्ष के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर स्थानीय दर्शनार्थियों को प्राथमिकता एवं शुल्क व्यवस्था बंद करने की मांग की है। महाकाल मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक कक्ष का युवा कांग्रेस ने मंगलवार को घेराव कर दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेता तख्तियां लेकर प्रशासनिक कक्ष के बाहर धरने पर बैठे रहे। यहां तख्तियों पर स्लोगन लिखे थे कि मंदिर का व्यवसायीकरण बंद किया जाए, स्थानीय दर्शनार्थियों को दर्शन में प्राथमिकता दी जाए, दर्शन की शुल्क व्यवस्था बंद कर निशुल्क दर्शन करवाए जाए या मंदिर प्रशासक के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को दिया गया। खास बात तो यह रही कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के ही सामने उन्हीं के खिलाफ नारे भी लगाए। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस नेता बबलू खींची एवं दीपेश जैन के नेतृत्व में किया गया। उसको तत्काल बंद करें। जो आपने भस्म आरती का शुल्क लगा रखा है, जो आपने 250 का शुल्क लगा रखा है, उसको बंद करें। आज हमने बाबा महाकाल के श्री चरणों में उनसे आशीर्वाद लेकर उज्जैन की जनता के साथ न्याय करने की मांग को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि उज्जैन के दर्शनार्थियों को आधार कार्ड देखकर अलग से उनकी दर्शन व्यवस्था की जाए, क्योंकि उज्जैन के लोगों को यहाँ पे महिलाओं को घर का काम रहता है, व्यापारियों को व्यापार करना रहता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना रहती है, इसलिए उनको समय ज़्यादा लगता है। इसके कारण हमने अलग से मांग की है कि उज्जैन के दर्शनार्थियों को अलग से व्यवस्था की जाए। दूसरा हमने विरोध ये इस बात का किया है कि हर चीज़ के महाकाल मंदिर में पैसे लगते हैं। दर्शन करने के 250 रुपये, प्रोटोकॉल से दर्शन करने के 250 रुपये, अंदर से जल चढ़ाने के 750 रुपये, भस्म आरती करने के 200 रुपये, इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए हमने मांग करी कि इस तरीके का जजिया शुल्क हटाकर और सुलभ दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सके और किसी के मन में भावना को ठेस नहीं पहुंचे कि वो अंदर से दर्शन कर रहा हूं, मैं बाहर से दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इस तरीके की मांग हमने आज मंदिर प्रशासन के महोदय से की है।